रमते राम का मतलब ये हुआ कि अब भाई आश्रम से हैं, गुरु मूर्ति हैं, पर अभी जो है अपने आसन ठिकाना छोड़ के बाहर निकल आए तो रमते राम में शामिल हो गए। अच्छा, अब आश्रम से बाहर हो गए तो रमते राम हो गए। दोस्तों, वृंदावन की धरती पर लगातार मैं संतों के दर्शन आप सबको करा रहा हूँ, लेकिन आज संतों की बाड़ी से पहले मैं संतों की रसोई दिखाऊंगा कि संत कैसे सादगी पूर्ण स्थान पे रहकर भोजन प्रसादी बनाते हैं। भोजन नहीं कहेंगे, जहाँ पर भी भोजन बनाते हैं वो प्रसादी होता है। तो संत कैसे आराम से प्रसाद बनाते हैं और कैसे कम से कम चीज में, कम से कम सामग्री में वो अपनी सारी व्यवस्था कर लेते हैं, यही हमारे भारत की परंपरा है। जो सबसे कम में रह ले, सारी कमतर चीज़ों में जो संतुष्टि प्रदान कर ले, वही संत है। तो आप देखिए महाराज जी की रसोई, और फिर मैं संतों के पास संतों के दर्शन भी आप सबको कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, ये महाराज जी की छोटी सी रसोई है और इस रसोई में खाली स्थान पर जो है ये बन रही है सब्जी, बना रहे हैं महाराज जी, चला रहे हैं महाराज जी। ये सब्जी किस चीज़ की है? करेला है, करेले की, करेले की सब्जी महाराज जी बना रहे हैं। और आप ये देखिए, खाली खुला आसमान है, आसमान यहाँ पानी की हल्की हल्की बूंदें टपक रही हैं, और उसके बावजूद महाराज जी लोगों को चिंता नहीं है। अभी हम लोग अच्छे घर में, मकान में रहेंगे तो थोड़ा सा भी बारिश आई और थोड़ा बहुत चूने लगा मकान तो हम लोगों का मन घबराने लगता है, लेकिन महाराज जी लोगों को कोई चिंता नहीं है। महाराज जी लोगों को केवल प्रभु का भजन, प्रभु की भक्ति, उसी में लीन रहना। तो आइए, महान संतों के दर्शन भी मैं करा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से वो लोग आए हैं और कैसे इस स्थान पर वृंदावन में एक जगह पर जो है उन्होंने अखाड़ा जमा रखा है। तो दोस्तों, यहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, और आप ये देखिए बारिश हो रही है लेकिन निश्चिंत भाव से भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो महाराज जी से मैंने कहा कि बातचीत करूँगा, तो उन्होंने आदेश दे दिया। और ये कैसे, किस तरह से एकदम कम चीज़ों में महाराज जी लोग रह लेते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। वाड़ी तो आप सबको और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को लगातार सुनाता रहा हूँ। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम जी। महाराज जी, मैं देखता हूँ कि तमाम लोग जो है, हम लोग यहाँ तो किचन रसोई बड़े अच्छे से रहती है, और यहाँ मैं देख रहा हूँ खुले आसमान के नीचे हैं, हैं भोजन बन रहा है आराम से, और आनंदी आनंद नज़र आ रहा है आप लोग। ऐसा है कि अब हम लोग जो है भगवान के भजन में लीन रहते हैं जी। ज़्यादा हमको किसी भी प्रकार की लालच से मतलब नहीं है। अच्छा, खाली हमको परमात्मा के भजन जी। किसी भगत ने अगर भोजन प्रसाद दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अपने इधर उधर से थोड़ा बहुत व्यवस्था करके अपना भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं। इसके अलावा और हमको भजन से ही मतलब है, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। खाली भजन और अपना प्रसाद के लिए जो भी अपना टूटा फूटा बना वो अपना व्यवस्था खुद कर लेते हैं जी। तो महाराज जी देख रहे हैं बारिश लेकिन हो रही है, जैसे बरसात हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं, तो बरसात के टाइम पे दिक्कत नहीं होती? अब देखो, बरसात के टाइम पे दिक्कत होगा तो यही छोटे मोटे पन्नियाँ हैं, यही ढांक के बैठ के अपना समय काट लेंगे, समय काट लेंगे। बाकी अब इधर कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे जाएंगे जी जी। अगर दरवाजे जाते हैं तो वैसे ही महामारी का सीजन चल रहा है, कोई अपने गेट के अंदर जाने नहीं देगा जी जी जी। तो अपन उससे भी दूर हट के अपने वृक्ष के नीचे बैठ के अपना समय काट रहे हैं, वृक्ष के नीचे आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है जी जी। तो महाराज जी, ये सब क्या मतलब, साथ में आपके किसी आश्रम से जुड़े हुए हैं संत की, मतलब अलग अलग स्थान से? अभी तो सब रमते राम पे हैं, अलग अलग स्थान से हैं। जैसे हम नर्मदा जी से आए हैं, जबलपुर गुआरी घाट से जी। अब भ्रमण करते करते वृंदावन आ गए, इधर मौसम खराब हो गया, दूसरी बात लॉकडाउन लग गया जी। अब हम इधर से कहीं आगे पीछे जा नहीं सकते। अच्छा, कितने समय से महाराज जी यहाँ हैं? इधर हम कम से कम 4 तारीख से हैं। 4 तारीख से? अच्छा अच्छा। तो ये महाराज जी, ये रमते राम क्या होता है? रमते राम का मतलब ये हुआ कि अब भाई आश्रम से हैं, गुरु मूर्ति हैं जी, पर अभी जो है अपने आसन ठिकाना छोड़ के बाहर निकल आए तो रमते राम में शामिल हो गए। अच्छा, अब आश्रम से बाहर हो गए तो रमते राम हो गए। अच्छा, तो जहाँ पर जो मिल जाते हैं वहाँ पर बस राम राम किया, राधे राधे किया, दोस्ती हो गई? दोस्ती हो गया। अच्छा, राम भलाई जहाँ हुआ, ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री
पंत की महात्मा है जी, वही उस हिसाब से अपना नमो नारायण हुआ जी, श्री राधे कृष्णा हुआ जी, सीताराम हुआ, सबसे मुलाकात किए, एक होके अपने बैठे सो अपने कीर्तन भजन होता रहा जी जी जी। महाराज जी जैसे कीर्तन भजन हुआ, दो चार पाँच दिन रहे साथ में, फिर ये लोग अलग अलग चले जाते होंगे। हाँ, जैसा जिसकी अगर माहौल इच्छा हुई बदली जी, तो अपने अपने दिशाओं की ओर चले जाते हैं जी, स्थान की ओर अपने अपने स्थान पकड़ लेते हैं। कोई जी दर्शन के लिए चार धाम यात्रा चला गया, तो कोई नर्मदा जी चला गया जी, तो कोई अयोध्या जी चला गया, कोई गुजरात चला गया जी। तो माने जो तीर्थ स्थान है ऐसे जगह में दर्शनों के लिए चले जाते हैं जी। तो महाराज जी मन में ये मलाल नहीं आता है कि दोस्ती हो गई थी, साथ में थे, अच्छा लग रहा था, भजन कीर्तन हो रहा था, अब अलग अलग स्थान पर चले गए? ऐसा है कि जहाँ अगर परमात्मा की इच्छा हुई, मन बदल दिया, वो वही चल दिया घूमते फिरते जी। और जिसका मन लगा रहा तो अपने दो चार महीना समय काट देता है एक ही स्थान पर साथ में। हाँ हाँ। और जीवन की इस यात्रा में तमाम आपके साथ जुड़ते रहते होंगे? वो तो ऐसा है कि सत्संग जब होता है तो अच्छे से अच्छे सिद्ध पुरुष, महापुरुष, सभी लोगों से मुलाकात होता है, भेंट होता है। और सबसे अच्छी खाली भजन का ही बात चलेगा, जहाँ भी चलेगा तो सत्संग का ही चर्चाएं होंगी, अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छी सलाह मिलता है जी। इसलिए हम लोग ज़्यादातर तीर्थ स्थानों में ही भ्रमण करते हैं, स्थानों पर भ्रमण करते हैं। और खाली स्थान हो, मैदान हो, कहीं कुछ हो, वहाँ पर रम जाते हैं, वहाँ पे अपना जैसे अगर अच्छा समय दिख गया, जगह यहाँ शांत वातावरण है, शांत एरिया है, अच्छा जल का व्यवस्था है, छाया का व्यवस्था है, अच्छा। वहीं रुक गए अपने, दो दिन चार दिन समय काट दिए जी जी जी। जल और छाया ही बस है, जल छाया तो सबसे जरूरी है, जरूरी। उसके बाद सारी व्यवस्था हो जाती है, इसके बाद तो फिर अपने अपने भोजन की प्रसाद की व्यवस्था तो कर ही लेता है, हो जाता कहीं ना कहीं, संत को देख कर कोई ना कोई कर देता होगा, या फिर जो है संत खुद कर लेते होंगे। अब जैसे अभी लॉकडाउन के चलते भोजन प्रसाद आ रहा है जी, जिसकी इच्छा हुआ तो थोड़ा बहुत ले लिया, और नहीं अब देख रहे हो भोजन बन ही रहा है, तो ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा व्यवस्था कर लेते हैं। तो महाराज जी भोजन में बनाने में प्रसादी में अलग अलग, तो अलग अलग मन नहीं करता कि आज ये बना ले आज वो बना ले? देखो अब अलग अलग तो मन होता है, पर अब जब उतनी व्यवस्था हो तब ना करे आदमी। अच्छा, तो जितनी में है व्यवस्था उतने में, जितने अगर अपने पास साधन है उतने में अपना समय काट लेते हैं। जाही भी दे राखे राम ताही भी दे रही ये वाला काम है। अच्छा, जितने व्यवस्था रह जाए उसी में करें, और वही संत का भाव होता है, उतने में अपना समय काट के जी, और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और भगवान के भजन में सब लगे हैं जी जी। तो दोस्तों महाराज जी की वाणी अभी आपने सुनी, और महाराज जी ने ये बताया कि जितने में ज़रूरत है बस उतनी ही ज़रूरत में हमारा काम हो जाए। और सबसे जो खास बात बताई कि महाराज जी लोग निर्जल स्थान देखते हैं, खाली स्थान देखते हैं, वहाँ पर महाराज जी केवल पानी और छाया दो चीज़ देखते हैं, उसके बाद तो सारी व्यवस्था हो जाती है। दोस्तों संतों के कारण ही, हमारा साधु ऋषि मुनियों के कारण ही हमारी धरती तपोभूमि है, हमारा देश महान है। तो इसलिए लगातार मैं संतों के वीडियो डाल रहा हूँ, आज रसोई का मैंने दिखाया। मेरा निवेदन है कि आप सब कहीं पर भी रहें, जिस जगह पर भी रहें, हमारे महान संतों का आदर और सम्मान करें, क्योंकि परंपराएं बढ़ती जा रही हैं, नई पीढ़ियां आ रही हैं, और हम संतों का आदर और सम्मान धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो मेरा एक बार पुनः आग्रह है, निवेदन है कि संतों का सम्मान जरूर